ताकि हम पढ़ाई को फन और इंटरेस्ट की तरह लें, तनाव की तरह नहीं। मैंने एग्जाम के स्ट्रेस से ही संबंधित सवाल पूछा है सुरप्रीत एगौर ने काठमांडू से, ये एक स्टूडेंट है। I am Supriya Dhamoor, a student of Kendriya Vidyalaya Kathmandu, and I live in Kathmandu. We start doing the third examinations in our primary classes. This becomes part of our personality. You may think exams are helpful for improving our personality, or do exams obstruct our all-round development? Thank you, sir. Thank you, sir. हम प्राथमिक कक्षाओं से ही एग्जामिनेशन शब्द टर्म के साथ जीना शुरू करते हैं। ये हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। मानिए, क्या आप सोचते हैं कि एग्जाम व्यक्तित्व को निखारती है या फिर एग्जाम हमारे व्यक्तित्व के पूर्ण विकास में रुकावट है? पानी कृपया इन दोनों ही सवालों के बारे में हम सबको कुछ बताएं। देखिए, कसौटी बुरी नहीं, एग्जाम बुरी नहीं, हम उसके साथ किस प्रकार से उसकी तरफ देखते हैं, किस प्रकार से उसके साथ डील करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। और मेरा सिद्धांत है कि कसौटी कसती है, कसौटी कोसने के लिए नहीं होती है। लोग कसौटी को ही कोसते हैं। एक्चुअली अगर हम मान लीजिए किसी को ओलंपिक खेलने के लिए, अगर वो तहसील में खेला नहीं है, डिस्ट्रिक्ट में खेला नहीं है, स्टेट में खेला नहीं है, इंटरस्टेट नहीं खेला है, नेशनल नहीं खेला है, और वो ओलंपिक के सपने देखेगा तो कहां से होता है? उसको हर कोई कसौटी में कसना पड़ेगा। इसलिए हम एग्जाम को, कसौटी को एक अवसर माने, ये अपॉर्चुनिटी है। अगर हम इसको अपॉर्चुनिटी मानेंगे तो आपको इसका आनंद आएगा। अगर चुनौती होती है तो ईश्वर ने हर व्यक्ति के अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ताकत दी होती है। अब देखिए, आप नॉर्मल आवाज में तो भी काट सकते हैं, लेकिन भीड़ में किसी को बुलाना है तो एक ऐसी एनर्जी आपके अंदर इतने जोर से बोलते हैं जैसे आदमी का कोई अफसर की भी आवाज नहीं लिया तो मुझे आवाज नहीं करता। भले एक पल के लिए निकली थी, उसके आदत पड़ी हुई है। एक समय था, अपॉर्चुनिटी आई, आपकी ऊर्जा बढ़ा है, आपके अंदर बहुत कुछ पड़ा आपने ऑब्जर्व करना कि इस कसौटी के समय मेरे को कौन सी क्षमता के ऊपर रखा है। कभी कभी तो आपने भी देखा होगा, ऐसी चीजें आपके मन से आती होगी, ऐसे विचार आते होंगे, दोस्तों के साथ बातचीत में ऐसा वाक्य निकलता होगा जो कभी आपने भी सोचा नहीं होगा। इसका मतलब यह हुआ कि आपके भीतर परमात्मा ने बहुत सामर्थ्य रखा हुआ, लेकिन उस सामर्थ्य को परखने के लिए आपका अपना कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो ये एग्जाम वो आप अवसर देती है आपके अपने सामर्थ्य को परखने के लिए। दूसरा, हम एग्जाम के लिए जिंदगी न जिए, हम खुद के लिए जिंदगी जिए। जब हम खुद के लिए जिंदगी जीते हैं, हमें लगता है कि नॉलेज होना चाहिए। अगर नॉलेज एक्वायर करना शुरू करें तो आप देख लीजिए, मार्क्स अपने आप फॉलो करेंगे, आपका पीछा करते हुए आपके दरवाजे आते हैं। लेकिन गलती हम करते हैं, हम मार्क्स के पीछे भागते हैं, जिंदगी पीछे छूट जाती है। हम जिंदगी से जुड़ते चले, नॉलेज एक्वायर करते चले, मार्क्स अपने आप पीछे आपके दौड़ करके आएंगे, मार्क्स खुद आपको गले लगाएंगे, आपके पीछे दौड़ेंगे। और इसलिए इसको देखने का तरीका, ये अगर आपका साफ सुथरा होगा तो मुझे विश्वास है कि एग्जाम कभी भी बोझ नहीं लगेगी,
सचमुच में तो एग्जाम को एक उत्सव के रूप में एक अवसर आया, चलो वहां हटाया गया, फिर देखता हूं क्या करता हूं। ये मूड चाहिए। स्टूडेंट ऑफ बी ए थर्ड ईयर वसंता कॉलेज राजघाट बी एच यू वाराणसी। माय क्वेश्चन इज, इट इज द टाइम फॉर द प्रिपरेशन ऑफ माय मास्टर्स एंट्रेंस एग्जाम, सो सर प्लीज गाइड मी फॉर एक्वायरिंग बेटर जॉब एंड करियर अपॉर्चुनिटीज। थैंक यू वेरी मच सर। जस्ट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ। हम बैचलर स्टूडेंट की जिंदगी का ये एक नया दौर है। बेहतर नाम की तथा कोर्स को पाने में आने वाली चुनौतियों के बारे में मार्गदर्शन करें। पर जरूरी नहीं है कि वो लोग मैथ्स कर सके, साइंस कर सके, जो हमारे देश में बहुत बड़ी बात है। तो हम किसी और चीज में बहुत अच्छे हैं। मैडम को देखो, नहीं ऐसे लग रही है जैसे वो हां मैथ्स या साइंस, तो हम किसी और चीज में बहुत अच्छे हैं। और ये कोई ऐसा बहुत बड़ा बात नहीं है कि हम किसी एक चीज में अच्छे ना हों। पानी कृपया इस बारे में हम सबको प्रेरणा दें। आपकी चिंता का स्वाभाविक है कि बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता, ऐसे समय एक सही मार्गदर्शन मिलना ही वो नहीं मिलता। लोग अपने अपने अनुभव की बातें बताते रहते हैं, माँ ये सुझाव देगी, पिताजी दूसरा सुझाव देंगे, तीसरा सुझाव देंगे, मोहल्ले के दोस्त और चौथा सुझाव देंगे, और हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। कन्फ्यूज होने के पीछे एक कारण ये है, हमें अपने विषय में पता है, मेरा अपना पैशन क्या है, मेरी रुचि किसमें है, और मैं मेरी रुचि के अनुसार इसके पहले कुछ कर पाया हूं क्या, मेरे सपने क्या है, वो बाकी बात, पहले मेरा पैशन क्या है, और उसके बाद आप मां बाप को भी कन्विंस कर सकते। देखिए, आठवीं कक्षा में मैंने इसमें ऐसा किया था, नौवीं में मैंने ऐसा किया था, मेरे टीचर मुझे बता रहे थे। उस समय तहसील के अंदर जब कॉम्पिटिशन था तो मैं गया, मुझे ये करके आया, मुझे लगता है कि मेरे भीतर ये ताकत है। कभी हमने अपने टीचर जिसके प्रति हमारा लगाव, उनके साथ बातें करनी चाहिए कि साहब आप मुझे चार साल से पढ़ा रहे हो, मुझे देखते हो, आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए। और ऐसा नहीं टीचर समय नहीं देते, अगर कोई विद्यार्थी टीचर के प्रति आत्मीय भाव से जुड़ता है तो उस टीचर को भी लगता है हाँ इस विद्यार्थी को क्या समय दे, उसको उसको गाइड करो, उसको भी लगता है। जब लेकिन ज्यादा कंफ्यूजन इस बात का नहीं होता है कि कोई आपको क्या कहता है, माँ बाप क्या कहते हैं, आप खुद कंफ्यूज है। ये समस्या कंफ्यूज इसलिए है क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपको क्या। मैं तो बड़ा भी आदम है, बहुत साल पहले बड़ौदा में एमएस यूनिवर्सिटी के हॉस्टल को जाया करता था स्टूडेंट से परिचय करने के लिए। 77, 78, 79 के बाद बैठ जाता था, तो उनसे मिलता था, बैठता था, बात करता था, तो मैं ऐसे उनको पूछता था आप कमर में जाता क्या है, क्या सोचते हैं, तो ज्यादा सब बच्चे जवाब देते थे एक बार ग्रेजुएट हो जाते आगे का पता ही नहीं, एक बार ग्रेजुएट हो जाओ, एक बात पूछ रहा था वो एक बच्चा वहां गुजरात बाहर था, वो वहां पढ़ रहा, उसने कहा आई वॉन्ट टू रूल, मैं कहा था बोले मैं तो आई वॉन्ट टू रूल, बोले क्या क्या राजनीति में जाना चाहते हो क्या, नहीं बोले राजनीति को नहीं जाना, बोले मुझे बाबू बनना, बाबू भी तो बोले तो शासन करते हैं, राजनेता बोले आपने क्या कहे, मुझे मैं ये 40 साल पहले की घटना इसलिए सुना रहा हूं, उस बच्चे को इतने क्लैरिटी कि मुझे क्या करना। और बाद में मैंने जरा जानकारी ली तो मैंने सुना कि वो वैसे ही गवर्नमेंट सिस्टम में चला गया और अच्छे पोजिशन पर वो पहुंचा था, उसके जो दोस्त लोग थे उनसे मैंने सुना। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि हमारे मन में क्लैरिटी होनी चाहिए,
क्लैरिटी ऑफ द फॉर्म्स, फेथ इन कन्विक्शन, मेरा कन्विक्शन में मेरा विश्वास होना चाहिए एंड कैरेक्टर एक्ट, उसके अनुसार काम करने वाला मेरा जज्बा, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरी समय, ये अगर हम डेवलप करें तो हम आसानी से दिशा में जा रहे हैं। साइंस मैथ उसका एक अपना महत्व है, लेकिन बाकी स्पिरिट का महत्व नहीं है। ये जो हमारे देश में बहुत बड़ी है वो ठीक नहीं है। साइंस और मैथ में हमारे महत्व होने के बावजूद भी जितनी मात्रा में वहां लोग जाने के लिए नहीं जाते, चिंता का विषय है। और उसका कारण है कि प्रारंभिक काल में उसको उस प्रकार का जो मोटिवेशन मिलना चाहिए वो हमारे यहाँ शायद कुछ कमी है। और उसके कारण कुछ टीचर्स ने, कुछ स्कूल ने, कुछ अभिभावक ने स्पेशल मेंटर लेकर इन चीजों को डेवलप किया तो बहुत आगे निकल जाते हैं। कुछ लोग हैं ठीक है भाई, ग्रेजुएट के कारखाने में चले जाएंगे, उधर से कारखाने से निकलते जाएंगे, यही चलता रहता है। और इसलिए आपकी चिंता बहुत स्वाभाविक है। मेजर मेरी सलाह यही रहेगी कि आप दबाव में आकर के मत सोचिए, आप अपनी क्षमता के आधार पर और उस पर किसी की मदद ले लीजिए। ऐसा नहीं कि आप अपने आप पर बिल्कुल सची होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। आपका अपना जजमेंट गलत हो, लेकिन अगर खुलकर के बात करोगे तो शायद आपको सही मार्गदर्शन आपके अगल बगल के लोगों से मिलेगा। मास्को से एक स्टूडेंट है जो अपने मन की बात आपसे कहना चाहती है, नाम है जेनिथ अनिलित। गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज जसिंता आर्य ऑफ क्लास 9 फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय मास्को। यू हैव गिवन मेनी सजेशंस टू आवर क्लास लास्ट ईयर, दिस रिजल्टेड इन चेंज ऑफ एटीट्यूड ऑफ माय क्लास एंड नाउ आई विल इंटरेक्ट विद देम अबाउट माय टेंशंस ऑफ एग्जामिनेशन, फियर ऑफ फेलियर एटसेट्रा। दिस मैन विद अ स्टेटमेंट यू कैन डू इट मेक्स मी मच मोर मोटिवेटेड। पिछले साल आपने हमारे पेरेंट्स को बहुत अच्छी अच्छी सलाह दी थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि उनका नजरिया ही बदल गया। अब मैं अपने पेरेंट्स से मेरी एग्जाम तथा असफलता का डर इन सब के बारे में बातचीत करती हूँ। उनका मुस्कुरा के ये कहना यू कैन डू इट, यानी तुम कर सकती हो, मुझे और भी ज्यादा प्रेरणा से भर देता है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य ने कुछ कहें, आपने क्रेडिट मुझे दे दी, दरअसल क्रेडिट आपके माँ बाप को जाती है, क्योंकि उन्होंने सही बात को पकड़ा और पकड़ने के बाद अपनी पुरानी जो भी हैबिट थी या ये जो था उसको छोड़ करके नई तरीके से उन्होंने सोचने का विचार किया। ये बात साफ है कि अभिभावकों का सकारात्मक रवैया बच्चे की जिंदगी की बहुत बड़ी ताकत है। टीचर्स का भी आपने देखा होगा कुछ ठीक है। अब उसके कारण क्लास के बाकी बच्चों के प्रति उस टीचर के प्रति भी एक अभाव पैदा होना शुरू हो जाता है। एक जो सम्यक दृष्टि का अभाव होता है उसका प्रभाव होता है। उसी प्रकार के माँ बाप भी कभी अपने यार दोस्तों के यहाँ गए हो तो आपने देखा होगा कि पता चले जहाँ इनका बेटा ले गया उसको लगे ढूंढ देख इसने क्या किया। यानी 25 लोगों की खरीद सत्ता पे है, रिश्तेदारों के बीच में माँ बाप उसको वहीं सिखाना चाहते हैं, देख कि मोहन भाई के बेटे ने क्या किया, देख तू है जो कुछ करना नहीं हो गया मामला। और ऐसी आदत गरीब सबको होती है। आप घर में भी जाओगे तो सुनाएंगे कि देखो मामा का बेटा कितना आगे निकल गया। तुमको सोचो ये जो कंपेरिजन है ये माँ बाप ने टीचर ने कभी नहीं कभी नहीं कर, उससे उसको बहुत निराशा करती थी, उसका उसको हतोत्साहित करती थी। ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक परिणाम लाती है जिसके साथ हमने भी कल्पना नहीं की। हमारा काम होना चाहिए उसको प्रोत्साहित करना, ठीक है वीक है बच्चा, लेकिन वो वीक क्यों है, क्योंकि आपने 90% वाले की तुलना करना शुरू किया, इसलिए आपको बुरा लगता है। लेकिन आप उसको ये कहो देखो बेटे पिछली बार तुम 55% लाए थे, इस बार 60 ले रहे, क्या कमाल कर दिया तुमने,
बचपन से 60 की जो खुशी है वो उसको 60 से 90 ले जाने की ताकत दे सकती है, लेकिन 90 क्यों नहीं आया, इसलिए 60 को कोसते रहोगे तो बच्चा 60 से 40 की ओर चला जाएगा, 60 से 70 की ओर नहीं जाएगा। और ये हम कोसते रहेंगे तो इतना सिखाते हैं बच्चों को, तो हम उसको कभी भी ताकतवर नहीं बना सकते हैं। मैं सरकार में काम करता हूं, अगर मुझे कोई छोटी भी बात किसी अफसर को कहनी है तो अलग से कभी मिल जाए तो बताना, तो देखो यार इसका कैसे करेंगे। लेकिन समूह में जब मिलता हूं मैं जी जान से उनके बारे में करता हूं, जी जान से, और वो बात झूठी नहीं होती। उन्होंने भी अपने समय की जो भी शक्ति है अनुभव है पूरा निचोड़ दिया होगा, ठीक है। प्रधानमंत्री की अपेक्षा क्या करता, दो कदम पीछे रह गया होगा, लेकिन उसके कारण उसकी मेहनत के कारण टीम स्पिरिट के लिए ये गुण बहुत आवश्यक। मेरा भी आपसे आग्रह है, आप अपनी तुलना अपने पुराने रिकॉर्ड से कीजिए, आप कंपटीशन अपने रिकॉर्ड से कीजिए, आप अपने रिकॉर्ड ब्रेक कीजिए। आप अगर खुद के रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे तो आपको कभी भी निराशा की गर्त में डूबने का मौका नहीं आएगा। आप अपने आगे बढ़ना, और उसमें आपको पता है कि मैं 3 घंटे नॉन स्टॉप काम कर सकता हूं, 3.5 घंटा करना है तो 3 का पता है तो 3.5 का सोच सकते, सामने वाला 5 का कर सकता है, तो छोड़ो यार मैं 3 के 3.5 कैसे कर लू। ये बदलाव बहुत जरूरी है, अगर ये आपने कर दिया तो मैं नहीं मानता हूं किसी तनाव से आपको गुजरना। अगला सवाल तेहरान से है, माननीय स्टूडेंट जयप्रीत सिंह का कहना है। सर, मेरा नाम जयप्रीत सिंह शाहमती है, मैं केंद्रीय विद्यालय तेहरान अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता हूँ, मैं तेहरान ईरान से बोल रहा हूँ। सर, मेरा आपसे सवाल है, सीखते समय तारीफ मिले तो सीखने में ज्यादा मजा आता है, तो हमारे पेरेंट्स और टीचर्स ये सब क्यों नहीं अपनाते, क्लास में 2-3 बच्चों को छोड़ दी, बाकी बच्चों के अच्छा करने पर भी उन्हें तारीफ नहीं मिलती, तो सर क्या आपके साथ भी ऐसा होता था? धन्यवाद। माननीय कृपया इस बारे में बताएं, हम सभी सुनें। बच्चे लोग जो है वो स्कूल में उनको तारीफ मिलती है और कुछ बच्चों को नहीं मिलती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, टीचर्स भी और पेरेंट्स भी। मैं पूरा सवाल उनका समझ नहीं पाया, शायद कोई कहना चाहता है कि स्कूल में या घर में कुछ बच्चों को थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है, उसको नहीं मिलता है, यही था। एक तो ये सब हमको क्यों नजर आ रहा है, इस बात पर हमारा ध्यान क्यों नहीं है? इसका कारण ये है कि हम ओवर कॉन्शियस हैं और भीतर से हम वीक हैं। जब तक कोई उचकाता नहीं है, सहलाता नहीं है, तब तक मुझे मेरे किए हुए का आनंद आता है, जिसके भीतर आत्मविश्वास होता है, वो तालियों के गूंज कितने बजी कितने नहीं बजी से पढ़ा नहीं जाता है, उसको विश्वास होता है। आप मैं मानता हूं कि सबसे पहले ये बाकी चीजों को प्राण आपके भीतर अपने आप पर वो विश्वास होना चाहिए कि कोई सराय कोई पूछा है या ना पूछा है, हमारे लिए अच्छा करे या ना करे, लेकिन मैं खुद एक स्थिति ऐसा बना रहूंगा कि कभी ना कभी मेरे टीचर को मुझे नोटिस ना करना उनको चैलेंज करना, मन में रखना मैं उनको जीत के रखूंगा,
और एक बार आप लोगों को जितना अप्लाई कर दिया था, देखिए बच्चे में ताकत होती है, 3 महीने में टीचर को जीत दी। एक और विषय भी जिनपे सवाल आया था, मेरे मन में विचार आया, देखिए कभी कभार क्या होता है, टीचर भी उस बच्चे में विश्वास करता है या रख रुचि देता है। जब टीचर को लगता है कि उसके परिवार जन बच्चे में इंटरेस्ट है, ऐसे बहुत माँ बाप होंगे जिन्होंने बच्चे को 7वीं से 10वीं या 12वीं तक कौन टीचर पढ़ा रहा है पता ही नहीं। क्या कभी बच्चे के जन्मदिन पर दोस्तों के साथ माँ बाप ने टीचर को बुलाया है? क्या माँ बाप कभी स्कूल में जाकर के किसी टीचर का जन्मदिन है, बच्चे ने कहा क्या मेरे टीचर का जन्मदिन है, माँ बाप स्कूल चले गए बच्चे के टीचर के जन्मदिन पर बधाई दी और कहा देखिए मेरे तो घर में बच्चा मेरे पास 3-4 घंटे रहता है, 5-6 घंटे आपके पास रहता है, अब उसकी तो जिंदगी आपके हाथ में है, आपके मैं शुभकामनाएं दे रहा है। वो टीचर का मन क्या करेगा बताइए? उसको लगेगा भाई ये बच्चा तो उन्होंने मुझे सौंप दिया, मेरी जिम्मेवारी। लेकिन अभिभावक का ये रोल नहीं रहेगा, टीचर को न तो अपने घर बुलाना है न माँ बाप से, अब जाते हैं तो कहाँ जाते, बच्चे ने आके कह दिया हो कि टीचर ने मुझे डांटा, बात हो गया। माँ बाप सच क्या झूठता, बच्चा क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, और कोई किसी बच्ची बीमारी हो रहा है क्या है, बहानेबाजी कर रहा है कुछ नहीं, क्या समझ रहे हो? मैं आरटीआई करूंगा, मैं FIR लिखवाऊंगा। बहुत माँ बाप बोल रहे हैं तो अपने बच्चे को कोई कमी महसूस नहीं, कमी नहीं, और उसके कारण अपना तो शायद उनको समझ जाता होगा लेकिन बच्चे की जिंदगी नहीं समझ जाता। अच्छा है टीचर मैनेजमेंट स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, इन चतुष्ट का एक मेल होना चाहिए, इंटरकनेक्टेड होना चाहिए, वो अपने अपने तरीके से चारों कोने में अलग काम करेंगे नहीं होगा। ये व्यवस्था सहज रूप से विकसित हो सकती है और उसका परिणाम भी मिलता है, और मैं मानता हूं कि हम लोगों की कोशिश करनी चाहिए कि जिन शिक्षकों के पास हम पढ़ते हैं उनके प्रति पूरे परिवार का एक आदर होता है, वो टीचर के पास जितना भी ज्ञान है वो आपके लिए वो निकल आपके स्पेशल अटेंशन। मन की कुबेर की छात्रा ही है सारा सदर, वो अपने मन की बात आपसे शेयर करना चाहते हैं। Good morning sir, I am Sara Sadar from the Indian Community School, Kuwait. I am originally from Hyderabad, India. As a student of class 12, I have been observing a mismatch between the question class in the examination and the objectives with which we are being taught. Our teachers often say that we have to emerge as good human beings, but our exam papers do not reflect this concern. So I have a suggestion for our education system. Examination needs to be linked with our broader aim of education, and every student, parent, teacher and the board examiner must be aware of this. Thank you, sir. क्लास 12 की स्टूडेंट हूँ, मैं इस बात को ऑब्जर्व कर रही हूँ कि परीक्षा पर पूछे गए सवालों और जिस मकसद से हम पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आपस में कोई तालमेल नहीं है। हमारे टीचर्स अक्सर कहते हैं कि हमें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, पर प्रश्न पत्र में ये कंसर्न जाहिर ही नहीं होता। हमारी शिक्षा व्यवस्था को एक सलाह है कि हमारी परीक्षा शिक्षा के व्यापक लक्ष्य से जुड़ी हुई होनी चाहिए, और इस बात के प्रति टीचर, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, बोर्ड एग्जामिनर सभी को सजग होना चाहिए। बाकी इस बारे में आपके विचार हम सब जानना चाहेंगे। देखिए मूलतः शिक्षा में सारी बातें होती है, ये शिक्षा जो है वो कोई रातों रात तैयार नहीं होती, हजारों साल से मानव विकास यात्रा के साथ। लेकिन कठिनाई तब होती है हमने शिक्षा को जिंदगी से काट करके एग्जाम से जोड़ दिया है, अब उसी का परिणाम है हमको लगता है कि स्कूल में जो बताया गया
अब जैसे मान लीजिए स्कूल के अंदर आपने देखा होगा कहीं पर टूरिस्ट प्लेस पर आप जाएंगे तो पांचवी छठी सातवीं कक्षा के बच्चे अगर वहां टूरिस्ट के रूप में स्कूल बस आया है और टीचर ने बताया कैसे चलना है तो सभी बच्चे ऐसे ही करेंगे, ऐसा होता है ना, हाथ पीछे बांध करके पूरा टूर देखेंगे, टूर प्रोग्राम ऐसे करते हैं। अब ये शिक्षा में नहीं है, लेकिन ये उसने जो सिखाया क्या वो जिंदगी से जुड़ा हुआ विषय नहीं है क्या? डिसिप्लिन, मतलब ये मैं नहीं कहता हूं कि आपका ऐसे करना ही, कहने का पात्र है कि ऐसी सब चीजें होती है, हमारा उस पर ध्यान नहीं होता। या तो जो टीचर बताता है वो सिलेबस का वो ज्ञान देता है लेकिन ये चीज जिंदगी में कैसे काम आती है वो नहीं बताता है। हकीकत ये है कि शिक्षा के हर पहलू को जिंदगी के साथ रिलेवेंट करके पेश करना ये टीचर्स को हॉबी होनी चाहिए, उसको आदत। मैं थोड़ा सा बताता हूं, मैं जो छोटा था तो हमारे टीचर, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा था, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, और मेरा जो गांव था वो गायकवाड़ स्टेट था, तो गायकवाड़ राजा की विशेषता थी कि जहां भी उनका राज होता था वहां प्राइमरी स्कूल होती थी, बच्चियों की शिक्षा कंपलसरी होती थी, पोस्ट ऑफिस होती थी, तालाब होता था, लाइब्रेरी होती, ऐसे कुछ उनके विशेषता है, जहां जहां उनका राज होता था इतनी चीजें होती थी। तो मेरे गाँव में भी उनकी एक स्कूल थी, तो सरकारी स्कूल थी, मैं उसको पढ़ता था। हमारे टीचर की विशेषता वो क्या कहते थे, हम सभी स्टूडेंट को कहते थे कि चलो तुम पांच खड़े हो जाओ, तुम कल घर से तुम पांच मूंग के दाने लाओगे, तुम सात मूंग के दाने लाओगे, तुम नौ मूंग के दाने लाओगे, दूसरे को कहते थे तुम तीन चने के दाने लाओगे, पांच चावल के दाने लाओगे, ऐसा वो अन्य के कुछ दाने ज्यादा नहीं थोड़े ले गया, बच्चा क्या करता था, यहां रखता था कि मुझे पांच मूंग के दाने ले जाने, तो घर में किसको मूंग कहते हैं सीख जाता, किसको मूंग कहते हैं पकड़ करके ले आता था, बड़ा संभाल करके, तो मूंग फिर पढ़ाना नहीं पड़ता, किसको मूंग कहते हैं, मैं बिल्कुल बचपन की बात करता। फिर टीचर क्या करते थे, सारी चीजों को मिक्स कर देते, फिर बच्चों को कहते थे अच्छा भाई पांच बजे आ जाओ, इसमें से एक को कहेंगे चना, पांच चना को उसको मैं हेलमेटिक आ गया, चना पहचान गया, दूसरों को कहते हैं चावल पान उठाओ दिखाओ, यानी बनाने का उनका एक अपना तरीका था। अब आप बात छोटी है लेकिन जिंदगी से कैसे जोड़ देते, मतलब कि शिक्षा में सब नहीं है, ऐसा नहीं होता, सब गीत होता है, संगीत होता है, संवेदनाएं होती है, सपने होते हैं, सब होता है, लेकिन हमने अपने आप को परिवार में, टीचर में, सबने रैंकिंग रैंकिंग रैंकिंग, वही समस्या शुरू हो जाती है। जीवन को हम खोल रहे, जीवन को हम विस्तृत कर रहे हैं, हर चीज में से अपना हम सीखना शुरू कर रहे हैं, अपने आप देखिए खुद की जिंदगी। सर मौली सिंह है जो यहाँ पर इस वक्त मौजूद है हमारे बीच में, ये आगरा की है और पढ़ती है, कुछ पूछना चाहती है। नमस्कार आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं हूँ मौली सिंह, ठाकुर टेक से पिकली कॉलेज आगरा से, और मेरा सवाल आपसे ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट घर से दूर रहकर पढ़ाई करते हैं, वो नई जगह पर तो जल्दी अडेप्ट नहीं हो पाते, एडजस्ट नहीं हो पाते, कई सारे स्टूडेंट्स को होम सिकनेस और डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है, तो वो कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करें और कैसे उनके पेरेंट्स और टीचर्स उनकी मदद कर सकते हैं, धन्यवाद। माननीय ये आखिरी सवाल है, कृपया इस बारे में हम सबको कुछ कहें। भारत जैसे देश में ये डिप्रेशन वाली बात बहुत परेशान कर रहे हैं, भारत की जो मूलभूत समाज है उसमें इस प्रेशर को रिलीज करने की व्यवस्था है, सहज व्यवस्था है,
लेकिन दुर्भाग्य से समाज व्यवस्था में जो परिवर्तन आ रही है, परिवर्तन तो आते रहते हैं, वो कोई बुरी चीज नहीं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें आ रही है जिसने स्थिति पैदा की। पहले हमारा ज्वाइंट फैमिली हुआ करता था, अब ज्वाइंट फैमिली होने के कारण बच्चा दो बातें पिताजी को नहीं कह सकता था, तो दादी माँ जाके कह देता था, मन हल्का हो जाता था। दो बातें दादी माँ से कहता था, लेकिन लगता था कि जरा माँ से पूछ लू तो वहां जाकर एक प्रकार से उसको एक अवसर मिलता था अपने आप को एक्सप्रेस करने का। आज स्थिति ऐसी है कि एक्सप्रेशन के लिए कम, सप्रेशन के लिए ज्यादा, इस तरफ हम बढ़ गए हैं। और ये जो कुकर फट जाता है उसका मूल कारण यही है कि इस प्रकार की भाव बढ़ जाती है, उसको बाहर निकलने के लिए जगह चाहिए, इसे बाहर निकलने के लिए जगह चाहिए। माँ बाप ने बच्चों के साथ उसकी रुचि के अनुसार खुलेपन से बातें करनी चाहिए। तो अगर मान लीजिए हॉस्टल भी चला गया तो उसको विश्वास है कि इस परिस्थिति को मेरे माँ बाप को मैं बताऊंगा तो समझेंगे, लेकिन अगर आप कट ऑफ है और जब कितने मार्क लाए, कौन देर से आए, किसके साथ गए थे, कौन किस पे बात करे, इसी में लगे रहे तो एक ये कट ऑफ स्टेज बहुत बड़ी समस्या पैदा करता है। दूसरा, ये माँ बाप का जिम्मा है कि डिप्रेशन अचानक नहीं करता, ये बहुत एक लंबी प्रोसेस होती है। कुछ एक होता है तो एक्साइटमेंट में कुछ करते हुए, लेकिन ज्यादातर धीरे 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 वो लुढ़कता रहता है। जागरूक माँ बाप देखते थे क्या बात है भाई, ये पहले तो बड़ा आग्रह करते थे खाता नहीं था, अपना बैठता नहीं, बस खाता ही रहता है, बात नहीं करता, ये अचानक उसका वेट बढ़ रहा है, साइकोलॉजी में इतना हुआ है। पूर्ण माँ बाप देखते भाई कुछ होगा करके स्ट्रेस में है, कुछ लोग ज्यादा खा रहा है, कभी सोता नहीं था, ऊपर वो आज ऑफिस से आ गया अचानक सो गया, कमरे में चला गया तो मुंह ढक करके बैठ गया, क्या कर रहा। अगर उसको वो जागरूक अवस्था से लेते हैं और उसको उसी समय हैंडल करते हैं तो बाद में अगर बाहर जाता है तो दूसरा कहीं पर भी जाते हैं, माँ बाप ने देखना चाहिए कि वहां किसी न किसी परिवार से उसको हम जोड़ सकते हैं क्या, बच्चे को जान पहचान वाले किसी, उसके लिए थोड़ा खर्च करना पड़ेगा, खर्च कर और उनसे कहना चाहिए सप्ताह में एक दिन जब छुट्टी हो तो बच्चे को जरा घर बुला लेना, आपकी कभी को आना, और बच्चे में अगर थोड़ा बहुत होगा तो उसको धीरे धीरे एक नया परिवार मिल जाएगा। दूसरा, काउंसिलिंग से हमने संकोच नहीं करना, कभी कभी तो माँ बाप को लगता है कि कहीं लीक हो जाएगा, किसी को पता चलेगा कि मेरे बेटे का काउंसलिंग कर रहा है, हम उसे इज्जत भी गंवाते हैं, बच्चा भी गंवाते हैं। कोई संकोच नहीं करना चाहिए, थोड़े से भी सिम्टम दिखते हैं हमने उसको काउंसलिंग करना चाहिए, बच्चे के साथ सही तरीके से बात करने वाले एक्सपर्ट होते हैं, वो धीरे धीरे उसके भीतर की जो भी बीमारियां हैं उसको निकाल देते हैं। लेकिन हॉस्टल में जो रहते हैं उनको मेरा एक छोटा सा अपना अनुभव के आधार पर बता पर कर सकते हैं, हो सकता है कुछ घटना ने आपको परेशान कर दिया है या कुछ आपने सुना है, आप बेचैन हैं, मन का आक्रोश, मन की वेदना कैसे प्रकट करना वो रास्ता नहीं चलता है। कुछ नहीं, आप हो सके तो हॉस्टल के बाहर जाइए, किसी पैर के नीचे अकेले बैठिए और एक नोटबुक ले जाइए, उस कागज में सारी घटना का वर्णन देती है, लिखते चले जाती है क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने क्या कहा, खुद को क्या लगा, सारा दिख रहा है जैसे फिल्म दिखती है, सही साफ दिखते चले जाइए। फिर उसको पलट फाड़ दीजिए, टुकड़े जेब में डाल दीजिए, तीसरी बार लिखिए, अब देखो क्या तीसरी बार वही बात एक डेढ़ मिनट में आ जाएगी, प्रीतम का जो है वो कागज पर टपकता जाएगा, अंदर से कम होता जाएगा, आप एब्सोल्यूटली रियलाइज करेंगे, आपको
तो ये भी डर नहीं रहेगा कि कोई पढ़ लेगा तो किसी को बताऊंगा, किसी को हम बात क्यों बताते नहीं है, डर रहता है यार इसको बताऊंगा वो किसी और को बताएगा तो मेरे बेइज्जत हो जाएगी। खुद ही अंदर एक जगह है, खुद ही लिखे उसको फाड़ गए। आप देख लेना घर में भी ऐसा माहौल बिगड़ गया, मम्मी नाराज हो, जितना हो पुराना हो, और मान लीजिए आप अलग से बैठने के लिए लीजिए, आपके भीतर की सारी जो मानवीय पर विकृतियां हैं वो कागज के सहारे से भाग गई। यही अंतिम उपाय नहीं, छोटा सा उपाय, ये छोटा सा उपाय भी कुछ पल के लिए तो आपका सहारा कर सकता है, कुछ दिन के लिए सहारा कर सकता है, खुद को खड़े होने की ताकत दे सकता है। दूसरा कोई एक अगर हॉस्टल में रहते हैं तो कोई सीनियर स्टूडेंट हो या टीचर हो, कोई एक हमें ढूंढ के रखना चाहिए जिस पर हम भरोसा करें, उससे कभी मन की बातें बताया करें तो देखो यार इस बात को माना कोई नहीं है, चीज बड़ी नहीं होनी, उसके सामने अगर वो कहेगा वो आपसे शायद उम्र में छोटा होगा, अरे चिंता मत करिए यार मां काम कर, हमें लगता है हमें दवाई होगी, हमें जहां हमारा उपचार हो गया, क्यों किसी ने कह दिया यार हाँ मां काम कर, मेरा मन का हाथ कर रहा है दो घंटे से, देखो आज जन्मदिन है मन फोन लिया, हो सकता है इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम, हो सकता है मोदी सरकार की बातें दुखी होने के लिए इंटरनेट न चलता, हम गुस्सा मां के लिए बांधते हो, टेक्नोलॉजी के लिए हो सकता है, तो वो एक छोटा सा वादा करेंगे चिंता मत करो, चलो चलो खा लेते चलिए आप बच्चों में, चलो खा लेते कोई बात नहीं, तेरा जन्मदिन मान लेंगे, अरे चलो अपन जाते हैं मेरे कच्चे जाना नहीं चॉकलेट खा, एक आध दोस्त तनावपूर्ण जिंदगी को भी बहुत हल्के फुल्के से ठीक कर लेगा। मैं समझता हूं जीवन ऐसा पूरा पा है और मुझे तो मैं बहुत छोटी आयु से बाहर हूं तो मैंने जिंदगी को अलग तरीके से देखा, अलग अलग उतार चढ़ाव से जिंदगी में गुजरी है और इसलिए मुझे इन चीजों को व्यवहार मानते उसने मुझे जीना सिखाया और मैं समझता हूं कि शायद मेरी जैसी जिंदगी अलग थी तो सबको काम नहीं आ सकती है, लेकिन छोटा सा एक प्रयास है, लेकिन डिप्रेशन को लाइफ न बच्चों ने लेना चाहिए, न गार्डियन ने लेना चाहिए, न टीचर ने लेना चाहिए, ये अटमोस्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। अगर समय पर रहते सही तरीके से उनको साथ आप कम्युनिकेट करेंगे, बातचीत करेंगे, समय बिताएंगे, स्थिति को बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। और भारतीय समाज व्यवस्था ऐसी रही है कि जिसने हमें परिवार में ही एक प्रकार से हमारा डीएनए ऐसा बना हुआ है, हम ऐसी चीजों को आसानी से झेल सकते हैं, ऐसी चीजों से जूझ सकते हैं और ऐसी चीजों से जिंदगी के रास्ते